गाइस जिन जिन लोगों ने ना नैनो कहा था ना, नैनो टाटा नैनो, वो एकदम राइट है। इसके अंदर गाइस थोड़ी खुजली भी हो चुकी यार, जगह जगह पे ना थोड़ा ऐसे दाग वगैरह हो चुके। उसकी दवाइयां गाइस नोज को डैमेज कर रही यार। नाना जी ने इतना बड़ा एक तरीके से देना सरप्राइज टाइप दिया है मेरे को। मेरे को कहा था कुछ सामान लेके जाना है घर पे, पर वहां पे जाते क्या कर रहा है, आ जाओ खाना खा लो। एक हो चुके यार, बहुत ज्यादा खड्डे हो रहे हैं, बहुत ज्यादा है। वेलकम बैक टू द न्यू अनदर ब्लॉग। तो गाइस आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने इस घर से, एंड सुबह के गाइस ये चेक करो टाइम 5:25 पे ब्लॉग स्टार्ट भी कर लिया, एंड अभी ना मैं निकल रहा हूँ उस टाइम पे। 5 बज उड़ चुका था, अभी नहा दो के मस्त टिफिन वगैरह अपने सारा कुछ पैकअप करके नाश्ता वगैरह, अभी बस निकल रहा हूँ यार। बाहर नानी जी को अभी तो सोए, नाना जी निकल गए इस मंदिर के लिए, 1:30 रात को सोए थे, 5 वापस उठ गए यार। और नाना जी तो मुझसे भी जल्दी उठे थे, बट उठना पड़ता है, थोड़ा मुश्किल लगता है यार। 1:30 सोना, 5 उठना है कि नींद की, 3 घंटे समथिंग, 3.5 घंटे नींद लेनी है बस। नींद ना कल पूरी होगी थोड़ी बहुत, वैसे तो पूरी होती नहीं है नींद यार आजकल। 5 उठ जाता हूँ एंड रात को 10-11 तो आराम से नॉर्मली बज जाते हैं। अभी ना बस नाना जी के मंदिर की तरफ निकलते हैं, वहाँ पे ना रात की थोड़ी बिखरा हुआ ज़्यादा ही है, तो वहाँ पे थोड़ा साफ सफाई करेंगे, फिर ना उस घर के लिए निकल देंगे मुझे सीधा। लोग करते हैं यार, गाइस घर पे पहुंच गया था यार, बट रात को ना मेक्स पता नहीं मोटा अपने अब कैसे खुल गया यार, पता ही नहीं। रात को ना यहाँ पे न्यू वाली जगह पे बांध के गया था, अभी वापस एक बार आके अटकाया, बट इसने देखो ये क्या किया है, इधर देखो इस वीट की हालत देखो गाइस, रोमियो को लगाने के लिए थी बट इसने हालत बेहाल कर दी है। यहाँ पे देखो कागज वगैरह कैसे भी खेल रखे है ना भाई, एक तो मस्त बांध के गया था, नॉर्मली बांध के गया था मैंने यार, गौर नहीं किया था थोड़ा, बिकॉज ना और सुपर होती थी मुंह से खोल नहीं पाता, ये तो सामने है इसके साथ थोड़ी बहुत खेलेगा तो भी खुल जाती है। तो भी गाइस मस्त खाना दे दिया, ज्यादा कुछ मेरे को लग गया दिख रहा हुआ तब मैं कह रहा हूँ अभी, नहीं तो सुबह सुबह आज तो मार खाने वाला था मैं ऐसे ही। एंड अभी ना रोज बाहर निकाल लेते हैं, अपन गाइस फटाफट इनके काम में लगते हैं। ये है तो जब्बर ही मोटा, रात को ऐसे साथ खेल रहा था मेरे हिसाब से, खेलते खेलते इसने तो खोल ली, चेक भी साउट गए खुल गया। अपने रोमियो को देखो अभी सीधा खड़ा है ना, मस्त वाला रोमियो। चलो आज बहुत दिनों बाद बांध रहा हूँ ना आपको ब्लॉग के अंदर दिखा रहा हूँ सुबह सुबह, नहीं तो आप दिखते बहुत कम हो आजकल ब्लॉग के अंदर ना बेटा। नहीं नहीं बाहर नहीं भाग जाना यार, इतनी मुश्किल से होती है ना बाहर भाग देना। गाइस मस्त अंदर ना साफ सफाई सारा काम कंप्लीट करके रोमियो मैक्स को दोनों को अंदर बिठा दिया है, मस्त अपनी अपनी जगह दोनों को। तो नहीं है अरे, तो अभी ना मामा जी इतने बंदे आ रहे हैं ना यहाँ पे, कभी कोई आते रहता है। अभी ना गाइस सारा काम अपना कंप्लीट है, अपन एकदम फ्री हो चुके हैं अभी जाके यार। एंड हो रहा है अभी जस्ट उदय तो क्या हो रहा है इस दीवार के पीछे से बस निकल रहे हैं, बहुत लेट हो चुका है, 10 समथिंग हो चुका टाइम, तो काफ़ी लेट है। बट गाइस फाइनली अपना सारा काम कंप्लीट है। एंड गाइस काफ़ी लोगों ने ये सही कमेंट बताया था वो गाड़ी कौन सी है। तो गाइस जिन जिन लोगों ने ना नैनो कहा था ना, नैनो टाटा नैनो, वो एकदम राइट है। बाकी गाइस जिन काफ़ी लोगों ने तो टाटा ही कहा था मेरे हिसाब से यार, इन कमेंट पढ़े थे कुछ तो। बट गाइस बहुत अच्छी गाड़ी थी वैसे ये एक टाइम पे, बट अभी कुछ वैल्यू नहीं है इसकी, पूरे अंडे शेप की है, पूरा अंडा एक तरह का गाड़ी का कुछ शेप ही नहीं यार, कौन लेगा इसे ये समझ में नहीं आ रहा। वेट नहीं है, शेप नहीं है, एकदम शेप भी नहीं है, दोनों में है कोई, इसका शेप भी नहीं है और हमारे लिए ये बैठने के लिए कोई शेप नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं है एयरबैग वगैरह का कुछ भी नहीं। अंदर खड़ा यार काफ़ी देर हो गई यार मेरे को अंदर आए वक्त यार, अभी सब कुछ कंप्लीट है गाइस, अपना खाना पीना एंड अभी ना इन दोनों को दिखाओ, ये चेक करो मोटे को, मोटा अभी ना इतना परेशान करने लगा है ना इसके अंदर गाइस, थोड़ी खुजली भी हो चुकी यार, जगह जगह पे ना थोड़ा ऐसे दाग वगैरह हो चुके। अभी इसको ना कोई इंजेक्शन होता है, मामा जी को कॉल करके आता, मामा जी कह रहे इसके थोड़े इंजेक्शन वगैरह की कमी आ रही है अभी, वो लगवाना पड़ेगा। तो उसकी वजह से गाइस थोड़ी थोड़ी जगह पे ना मैंने सोचा इतने तो ऐसे ही होगा, बट अभी ना थोड़ा दूर पे ना ऐसे नहीं है कि यहाँ पे नहीं, एक हाथ पे है तो एक पूंछ पे है,
एक वापस पैर पे ऐसे दूर दूर है, पता नहीं यार क्या ही क्या होते हैं ना। फर्स्ट बार डॉग है तो अभी मेरे को धीरे धीरे नॉलेज हो रहा है कि क्या क्या होता है यार डॉगों के। बट अपना मैक्सी तो मोटू तो ओपी है ना बेटो, है नहीं मोटू? गाइस मस्त ना रेडी हो चुका हूँ ना कि हेड अपने मोटू को चेक करो। गाइस मोटू मस्त सो रहा है यार, अब हाथ तो नहीं लगाऊंगा यार, वापस से धोने पड़ेंगे कहीं पे। एंड गाइस अभी नाना जी को कॉल है, नानी जी को सामान देने मेरे को कहीं पे जाना है बस। अभी जस्ट ना नाना जी के वहां पे निकल रहा हूँ, नाना जी ना थोड़ा यहाँ से दूर है, तो गाइस फटाफट लॉक करते हैं प्लॉट को एंड निकलते हैं अपन टिफिन वगैरह लेके। सबसे पहले अपने फ्यूल सेक्शन ना फ्यूल करा लेते हैं ताकि बीच के अंदर ना इसको घसीटना हो ना पड़े। वैसे भी ना आजकल इतना परेशान करती है नहीं अपनी बाइक, तो फ्यूल सेक्शन पे गाइस फ्यूल अप कराते हैं, फिर नाना जी वहां पे निकलेंगे यार अपन। अभी बस नाना जी यहाँ पे निकल चुका हूँ गाइस, एंड गली भी याद रखनी पड़ेगी यार, इस साइड को गली आएगी आगे जाके, अभी तो काफी दूर है बट आगे जाके आएगी ये गली। वहां पे ना सर्च का एक बूथ है, कोई दूध मिलता है वहां पे बूथ, उस गली के अंदर घुसना है, फिर सीधे 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 चलता रहना, पता नहीं कितनी दूर है। अभी कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है कि ऑयल तेल खत्म होगा इसके अंदर, फ्यूल तो कराया हुआ है, फ्यूल तो नहीं खत्म होगा, बाकी पता नहीं यार। वॉइस बहुत खतरनाक आ रही होगी, हवा बहुत खतरनाक चल रही है यार, बारिश तो है नहीं, हवा हवा बची है, बहुत खतरनाक आ रहा है यार। वाली गली है इसके अंदर अपने को पूछना एकदम, अभी सीधा सीधा चल रहा है बस। नाना जी बहन अपने आप आ जाएगी, फिर नाना जी के अंदर कोई घर के अंदर गई, मैं उस घर के अंदर जाऊंगा, वहां से कुछ सामान देके वापस लेकर जाऊंगा। जस्ट दूर कितनी गई है पता नहीं, एंड बहुत ज्यादा खड्डे खड्डे हो रहे हैं यार, एक हाथ से बाइक कंट्रोल, कितने दूर कितने दूर और कितने दूर और। एक बच गए यार, बहुत ज्यादा खड्डे हो रहे हैं, बहुत ज्यादा यार, तो भाई कितना गहरा घुस गया आज गली के अंदर। नाना जी वेन का तो पता ही नहीं अभी तो कहाँ पे होगी, कुछ भी नहीं पता यार। थोड़ी दूर और चलते हैं फिर, नहीं तो कॉल करेंगे यार, काफी दूर आ गया, ऐसा ना हो कहीं दूसरे गांव में पहुंच जाऊं मैं। तो गाइस नाना जी वेन मिल तो चुकी यार, एंड अपना बैग ना अंदर रखा यार, बिकॉज अंदर इसके अंदर थोड़ा सा सामान है, भगवान का प्रसाद वगैरह सुबह ना हनुमान जी जाता हूँ ना तो उसका, एंड अभी नाना जी कह रहे एक मिनट अंदर आ जा, अंदर से कोई सामान लेके आना, बस फिर निकलूंगा इस मैं तो। गाइस फाइनली यार नाना जी से मिल के निकल देता हूँ, एंड नाना जी ने इतना बड़ा एक तरीके से देना सरप्राइज टाइप दिया है मेरे को, मेरे को कहा था कुछ सामान लेके जाना है घर पे, बट वहाँ पे जाते ही क्या कह रहा है आज वो खाना खा लो, खाना खा के आऊंगा इस नाना जी का। जस्ट अभी भूख तो थी नहीं आज, वैसे भी दोपहर के अंदर थोड़ा लेट ही खाना खाया था ना, नाना जी खाना कपड़ के खिला ही दिया आखिर मस्त। हनुमान जी कहना यहाँ पे जागरण वगैरह है तो उसका प्रसाद था, बस प्रसाद वगैरह का इधर खा के ना भी घर पे निकल जाऊंगा, पर नाना जी सरप्राइज का बस गजब भी है यार, मेरे को कह रहे कोई सामान लेके जाने अचानक से, बस बैठ जाओ खाली खाते बैठे देखे कि आजा बैठ जाओ खाने के अंदर। गाइस मस्त घर पे पहुंच चुका था, एंड अपने लिए दूध भी लेके आ चुका हूँ यार। हाँ नाना जी तो है नहीं, नाना जी ना कल सुबह आएंगे, ये भी आपको बताना भूल ही गया था मैं भी, कल सुबह ना नाना जी या क्या है यार इसके अंदर मच्छर गिर गया क्या, चीनी के अंदर कचरा था थोड़ा तो इसके अंदर आ गया। तो गाइस कल सुबह ना नाना जी सीधा मंदिर आएंगे वहां पे, मेरे को जल्दी जाना है थोड़ा, कल सुबह 5 बजे से पहले ना यहाँ से निकलना है, 5:30 से पहले मंदिर पहुंचना है यार। एंड अभी ना गाइस आज का ब्लॉग ना सीधा एंड करता हूँ, बिकॉज नीचे ना कुंज और तो मुझसे अपना सो रहे हैं, अभी नानी जी मुझसे यहाँ पे सो गए, मैं इस बेड पे सोने वाला हूँ, वो नाना जी बेड ना खाली रहेगा। एंड गाइस आज का ब्लॉग ना यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आपको पसंद आए, पसंद आए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो गाइस तब तक बाय बाय। एंड नोज की दुआई है गाइस, नोज को डैमेज कर रही यार, यानी नई चमड़ी जाती है उसमें यार, नहीं एकदम वैसे होगी यार पूरी, मतलब टच करता हूँ तो भी एक अलग फील होती है यार।